अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वाहिद अफरीदी है और मेरे बचपन में मुझे बीमार हो गया था 2.5 साल की उम्र में, जिसमें मैं पोलियो अफेक्टेड लेफ्ट लेग अफेक्ट हुई थी। 1991 में कराची में मैंने तालीमी आगाज़ किया और ग्रेजुएशन पे ख़त्म किया। अभी भी जारी है तालीमी इंस्टीट्यूशन की, DIT वगैरह कोर्स किए, ऑफ एक्सपीरियंस लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक डेटा मैनेजर की पोस्ट पे भर्ती हूँ। माशरे में मनफी रवैया बहुत बुरी बात है, ये नहीं होना चाहिए। माशरे वालों को तो मजदूरों को हौसला अफजाई देनी चाहिए ताकि वो उस हौसला अफजाई से वो अपने आप को इंक्रीज करे। हौसला अफजाई जितनी उसको मिलेगी उसमें इतनी ज़्यादा इंक्रीजिंग आएगी और उतनी ज़्यादा वो और ज़्यादा मेहनत करेगा, उस मेहनत की बदौलत अपना फ्यूचर बना सकेगा। मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ, एज ए क्रिकेटर, एज अ कैप्टन, जिससे मजदूर की जो भी एबिलिटी है वो स्पोर्ट्स के हवाले से हो या अदर के हवाले से हो, उसमें अपने आप को मनवा इसको मनवाना पड़ता है। जो इसके अंदर एबिलिटी है उसको अपने आप को मनवाए और इस लेवल तक लेकर आए कि मैं हूँ कुछ। वालदैन का किरदार बहुत ज़्यादा अहमियत का ताल्लुक है डिसेबल के साथ। इसको तालीमी है इसके हवाले से और फ्यूचर के हवाले से जो इसके अंदर एबिलिटी है उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए उस पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। पेरेंट्स को अदर बच्चों के अलावा इसको जितनी ज़्यादा अहमियत देंगे वो उतनी ज़्यादा उसके अंदर क्या कहते हैं उसके अंदर एबिलिटी आएगी, वो अपनी एबिलिटी को और ज़्यादा क्या कहते हैं क्लियर करेगा, अपने आप को और ज़्यादा एबल करेगा कि मेरे पेरेंट्स और मेरे फैमिली के जो जितने भी अफराद हैं मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। बिल्कुल, वालदैन के बाद जो सबसे ज़्यादा अहमियत के ताल्लुक हैं वो उस्ताद हैं। उस्ताद की भी अहमियत तो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है और स्पेशली हम लोगों के लिए तो उस्ताद की अहमियत और भी ज़्यादा होनी चाहिए। उस्ताद को हम जैसे स्पेशल लोगों को बहुत ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए अदर बॉयज़ के अलावा, क्योंकि जितना इनको ज़्यादा अहमियत मिलेगी उतनी ज़्यादा ये और ज़्यादा पॉलिश होंगे और पॉलिश होने के बाद वो अपने आप को, आपको पता है कि जितना हौसला अफजाई मिलती है उसकी एबिलिटी और भी चमक में आती है। माशरे के लिए मैं सबको यही पैगाम दूंगा कि प्लीज़ एक मज़दूर को उसकी मज़दूरी के मद्देनज़र मत रखें, उसके अंदर जो एबिलिटी है उसे नज़रअंदाज मत करें। हम भी एक माशरे का हिस्सा हैं, उन्हें बैड व्यूज़ पे इस्तेमाल मत करें कि एक मज़दूर है, मज़दूरी जिससे भी ताल्लुक है उसकी मज़दूरी का, तो उससे ना पुकारा जाए, उसका हौसला अफजाई की जाए। उसको हौसला अफजाई मिलेगी तो उसमें एक निखार आएगा, वह खुशी महसूस होगी और अपने आप को कभी कम महसूस नहीं करेगा। जब वो अपने आप कम महसूस नहीं करेगा तो आपको पता है वो माशरे के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा और उसको हर रास्ता आसान मिलेगा। क्या मेरे साथ हेल्पर हैं, एक माशरे का मैं भी हिस्सा हूँ, मुझे कभी कमी महसूस नहीं हुई इस माशरे से, तो कभी पीछे नहीं हटेगा।